सभी को मेरा मात दरवाजे यार। और आज हम नए लेक्चर में मैथ्स के हाइस एंड डिस्टेंस के ऊपर चैप्टर के ऊपर, और ऐसे में आपको एक क्लाउड टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, देखते क्वेश्चन क्या कहता है। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्लाउड टाइप का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन टाइप में करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। एक लेक है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप एक बैंक ऑफ रिवर के किनारे खड़े, मतलब बैंक ऑफ रिवर एक किनारे पर खड़े हैं लेक के। तो पहले आप जहां पे खड़े होंगे वो जमीन में खड़े होंगे, तो एक जमीन बना लीजिएगा, डार्क करके बनाइएगा एक जमीन। ये हमने हमारी एक जमीन बना ली जिसके ऊपर अपन खड़े हैं, और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव, 60 मीटर अबव मतलब यहां से यहां पर अपन खड़े हैं 60 मीटर अबव, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से 60 मीटर अबव, अबव अ लेक इज 30 डिग्री। और यहां से अपन एक क्लाउड को देख रहा है, सबसे पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्लाउड को देख रहा है अपन, तो क्लाउड बना लेंगे एक यहां पर ऐसा। प्रैक्टिकल हो गए, करिए क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक, ये लेक से ऊपर है 60 मीटर, जहां पर अपन खड़े हैं मतलब जमीन पे खड़े हैं उससे ऊपर है, वहां से अपन देख रहे हैं। तो पहले लाइन ऑफ एंगल बनेगी एक पॉइंट सी, क्लाउड के अंदर का एक पॉइंट आप डायग्राम बनाएंगे तो सी करके दे दीजिएगा, ये लाइन ऑफ एंगल और एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल बनेगी, और 90 डिग्री की साइन सब जगह मार्क कर दीजिएगा। तो अभी अपन ने आधा डायग्राम बनाया है, और जो जो डायग्राम में पहले अपन को करना है, जो जो दिया हुआ है अपन वो करेंगे और देखते हैं अपन करते क्या है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करा था 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा। उसमें जितने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगी थी, साइड जिसकी इक्वल हो रही थी उसके रीजन से, तो वो लिखेंगे। आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये ए टी एम बी इज अ रेक्टेंगल, तो लिखेंगे सिंस ए टी एम बी इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू टी एम। रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और अपन को देखते हैं, पहले अपन जो जो मार्क कर लेंगे अपन क्या निकालना है, और फिर से अपन डायग्राम पे आते हैं। इतना अपन ने लिख लिया, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। और अपन को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लाउड। पहले अपन इतना पढ़ते हैं, अपन को हाइट निकालना है, मतलब ये तो 60 मीटर हो ही गया अपना, ये रीजन जो अपन ने लिख दिया था 60 मीटर हो गया है, इतना एम्प्टी 60 मीटर हो गया है, और अपन को अब निकालना ही इतना छोटा सा पार्ट एच सी एम निकालना है अपन को। तो पहला बनने वाला ट्राइंगल लेते हैं, एंड ट्राइंगल सी बी एम, एंड ट्राइंगल एम बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, एंड ट्राइंगल एम बी सी एच अपॉन एक्स, इसको एक्स मार्क कर लीजिए, एच अपॉन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और थीटा दिया 30 डिग्री का, तो 10 30 डिग्री, एच अपॉन एक्स इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल टू एच इंटू √3। अभी अभी एक्स की वैल्यू आई है, अब अपन पहले इतना अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और अब अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे वो देखते हैं। 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ, यहां से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। मतलब जो परछाई बन रही है पानी में पूरी डायग्राम की क्लाउड की, तो वो जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, रिफ्लेक्शन वर्ड यहां यूज हुआ है। तो पहले अपन यहां पर एक नदी बना लेते जो लेक के ऊपर है, या आप डायग्राम ऐसी बनाएंगे, और जो इसकी रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब जो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये क्लाउड पूरा यहां पर आ जाएगा, उतने डिस्टेंस से स्केल से नाप के करिएगा, तो ये क्लाउड यहां आ गया, और ये पॉइंट ले लेंगे सी डैश, और यहीं से आप यही ऑब्जेक्ट हो, आप यहां से देख रहे हो डिप्रेशन का एंगल बना रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो मतलब यहां से ये लाइन
और इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा, और हॉरिजॉन्टल वही है कॉमन रहेगी दोनों में हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। समझ में आया आपको क्वेश्चन? आगे का क्वेश्चन ये, आप खड़े हो वहीं पर ये पॉइंट पे, अब आप वो एक क्लाउड नीचे देख रहे हो परछाई पे देख रहे हो, डिप्रेशन का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री का, और ये पूरा एक परछाई है रिफ्लेक्शन है, तो ये 2D शेप का बोर्ड है, 3D नहीं है, इस कारण से ऐसी परछाई और नदी बनेगी, तो आपको इमेजिन करना है, और अपन इसका आगे वाला सोल्यूशन अगले स्टेप में करेंगे। हाँ तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपन को सबसे पहले तो अपन ने ये निकाल लिया, इसकी मैं आप इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, एप्टीट्यूड ट्रिक, मतलब अपना आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, और कैसे आ जाएगा मैंने आपको शुरुआत में बताई नहीं, तो आप अभी सुनिए कैसे आ जाएगा। तो यहां पे आप बोर्ड के टीचर को भी दिखा देंगे एप्टीट्यूड ट्रिक, एप्टीट्यूड आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेथड रहती है एक आंसर निकालने की, आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा और आंसर आप निकाल लोगे। तो ये अपन को 60 मीटर दिया है, ए बी ऑब्जेक्ट जहां से अब है उतना 60 मीटर दिया है, इसका जस्ट डबल कर दीजिएगा, मतलब 60 × 2 120 मीटर बॉक्स, हमारा आंसर 120 मीटर ही आएगा, और आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के पहले अपन को आंसर मालूम चल गया, जैसे टीचर ने क्वेश्चन लिखा नहीं, और जो हमारे को हाइट ऑफ अ क्लाउड आएगी 120 मीटर आएगी। तो ये हमारी एप्टीट्यूड ट्रिक थी, और अपन आगे का सोल्यूशन करते हैं। हाँ तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सोल्यूशन, पर डायग्राम पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था, सब कुछ हो गया था, अब अपन को ये वाला ट्राइंगल लेना है, अब अपन को पूरी हाइट निकालनी है, एप्टीट्यूड से हाइट अपना आंसर आ गया था 60 × 2 मतलब 120 मीटर आंसर आ गया था अपना, अब अपन को पूरी हाइट निकालनी है, तो सोल्यूशन बोर्ड के टीचर को पूरा समझाना पड़ेगा सोल्यूशन कैसे हुआ है। तो अपन हाइट निकालेंगे अपनी, तो अपन को अब हाइट निकालने के लिए अपन ये वाला ट्राइंगल ले चुके थे जिसमें सब एक्स की वैल्यू निकाली थी h × √3, अब अपन को ये वाला ट्राइंगल लेना है जिसमें मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल बी सी डैश एम, इन ट्राइंगल बी सी डैश एम, और ट्राइंगल लेने से पहले अपन को एक रीजन लिखना है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल में ये वैल्यू अपन को कुछ दी नहीं है, टीसी कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जमीन अपनी मोटी वाली जिसको मैंने आपको शेड कराने बोला था, तो आपने एक 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा फिजिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर, तो मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी जिसमें आपने एक ये पढ़ा हो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ी होगी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। ये मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे मान लीजिए ये एक मिरर है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, और मिरर का डिस्टेंस है, मिरर का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो जो आपकी इमेज और मिरर का डिस्टेंस होगा ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, मतलब आपको समझ में आया ना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ खड़े हैं, आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर आप जो भी ले सकते हैं, और तो यहाँ पे आपकी जो इमेज भी होगी मिरर की उस साइड बनेगी 5 मीटर की बनेगी। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अपने पास ये जो दिया है टीए, वो अपने पास एक आप मिरर मान लीजिए, जमीन दिया है अपने अज्यूम करा है, पर आप एक मिरर अज्यूम कर लीजिए अभी, और ये जो है टीसी, टीसी इक्वल्स टू फिर टीसी डैश हो जाएगा, कैसे रीजन लिखते हैं, टीसी इक्वल्स टू टीसी डैश, रीजन वही आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इसको मिरर इमेजिन कर लिया अपन ने, तो अपन रीजन लिख रहे हैं क्योंकि अपन को रीजन बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन का गलत हो जाएगी, गलत कर देगा बोर्ड का टीचर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज टू मिरर, उल्टा भी लिख सकते हैं आप, बस आपको रीजन देना है कैसे भी करके। तो ये अपना रीजन था, तो अपना इक्वल टू क्या आ गया, ये पूरा टीसी अपना एच प्लस 60, तो ये भी हो जाएगा, ये टीसी डैश भी हो जाएगा एच प्लस 60 मीटर्स। तो जब ये अपन ये ट्राइंगल लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो अपना पूरा आंसर आना चाहिए, और इस कारण से अपन ने रीजन लिखा है, तो ये रीजन लिख देना चाहिए। अब अपन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डैश एम परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल उल्टा है आपको दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटीनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटीनियस है, तो अपन परपेंडिकुलर अपन बेस लगाएंगे जो था 10 और थीटा दिया 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपन बेस आपको समझ में आया होगा, तो 60 प्लस एच,
अब आपको ये लग रहा होगा मैंने कहां से लिख दिया ये, तो आपको दिख रहा है कि अपना जो रीजन लगा था ये भी एच प्लस 60 हो गया था, जो अपना टी सी डैश है ये भी एच प्लस 60 हो गया था, और जो अपने पास सी डी है ये भी एच प्लस 60 था अपने पास, अपन ने रीजन लगा के उसको भी इक्वल कर लिया था, ये अपना मिरर अपन ने अज्यूम कर लिया था। पर इस ट्राइंगल में ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल बोल रहा है, तो इसमें ये 60 तो पहले से ही आ रहा है, और फिर इसका ये 60 प्लस एच ये भी पहले से आ रहा है, तो मैंने ऐसा लिख दिया 60 प्लस 60 प्लस एच अपॉन, और ये अपन ने वैल्यू ली थी एक्स इक्वल टू 10 60 डिग्री। समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा, अपन को दो चीजें करनी। सबसे पहले तो एक तो जो अपने पास एक्स की वैल्यू आई थी, ऐसे ही एम बना के क्वेश्चन करिएगा, पैशनेट हो गया। अपन को दो चीजें करनी है, एक तो अपने पास जो एक्स की वैल्यू आई थी वो पुट करना है, और 10 60 की जो वैल्यू थी वो पुट करना है। तो करते हैं, और सबसे पहले 60 प्लस 60 120 प्लस एच, इन दोनों प्लस करके होल अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, एच इंटू रूट थ्री इक्वल टू 10 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 120 प्लस एच इक्वल टू एच इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो 120 प्लस एच इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री, और थ्री इंटू एच थ्री एच। अब जो अगला सोल्यूशन अपन अगले वाले स्टेप में करेंगे, आया था 120 प्लस एच इक्वल टू थ्री एच, 120 प्लस एच इक्वल टू थ्री एच, और ये एच वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 इक्वल टू डायरेक्ट माइनस करेगा, वो तो टाइम नहीं रहता 2h, अब 2 नीचे आ जाएगा, 120 अपॉन 2 इक्वल टू एच, कड़े आएगा 60, 60 इक्वल टू हाइट यानी एच 60 मीटर्स। तो अपने पास एच आके आ चुका है 60 आ चुका है, मतलब अपने पास सी एम आ चुका है 60, और अपन को अब ऐड कर देंगे सबसे पहले, तो पूरी क्लाउड की हाइट आ जाएगी अपनी जमीन से लेकर यहां तक की पूरी हाइट आ जाएगी। तो अपन करते हैं टोटल हाइट, या फिर हाइट ऑफ अ क्लाउड, इक्वल टू ये वैल्यू थी एच जो निकालना था, प्लस ये अपन ने रीजन देकर रेक्टेंगल वाला उससे कर लिया था 60, तो एच प्लस 60 इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 मीटर बॉक्स आंसर। तो ये अपना आंसर आ चुका है 120 मीटर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है एक, और आपको भी दिख रहा है बहुत मेहनत लगी इस क्वेश्चन में, 120 मीटर आंसर एप्टीट्यूड से भी यही आया था। तो ऐसी क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स, और मात नर्मदे हर।